जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? अरे राहुल बाबा मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर बकरवाल पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आज मैं कह कर जाता हूँ जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी फिर से अलग झंडा लाने वाले हैं, आप लाने दोगे? अरे जोर से बोलो, लाने दोगे? 370 एनसी और कांग्रेस फिर से लाना चाहते हैं, लाने दोगे? जोर से बोलो, लाने दोगे? कांग्रेस पार्टी और एनसी, गुर्जर बकरवाल पहाड़ी ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोल कर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर बकरवाल पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आप ये मान कर दो। भाइयों बहनों, 370 हटने से 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों को अधिकार मिला है। ये कांग्रेस पार्टी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये अधिकार छीनना चाहती है, आप छीनने दोगे क्या? अरे आप तो जरा जोर से बोलो, छीनने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये पत्थरबाजी और आतंकवाद में जो लोग लिप्त है उनको जेल से छोड़ना चाहते हैं, उनका मकसद है उनको छोड़ दो और हमारे जम्मू क्षेत्र पूंछ रजौरी जहां शांति है वहां आतंकवाद आए। मुझे बताओ, जम्मू पूंछ रजौरी डोडा में आतंकवाद को आने देंगे क्या? अरे जोर से बोलो, आने दोगे क्या? भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए। वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे। एलओसी का ट्रेड शुरू होगा तो उसका मुनाफा किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा। ये करना चाहिए क्या? आप सहमत हो क्या? वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आज मैं कह कर जाता हूं जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। हमारा शंकराचार्य चोटी, ये पहाड़ जहां आदि शंकर ने स्वयं चातुर्मास किया, उसका नाम तख्ते सुलेमान रखना चाहते हैं, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? पूरा देश देख रहा है, और जोर से बोलो, सहमत हो? ये भ्रष्टाचार की आग में फिर से जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहते हैं। ये तीन परिवार, कांग्रेस का परिवार, एनसी अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी का मुफ्ती परिवार, ये तीनों परिवारों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है। वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? भाइयों बहनों, वो कहते हैं हम पहले जैसी व्यवस्था लाएंगे का मतलब है जम्मू को फिर से अन्याय करने की शुरुआत करना, आप सहमत है क्या? सहमत है क्या?